हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेय आर्टिस्ट। दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड वी आर एट द पैनामिक हॉट वाटर स्प्रे। ये पूरी वैली देखो, छोटी सी है पर कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है बट उधर जो छोटा सा दिख रहा है ना इस तरफ को, वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा। अच्छा, वो वहाँ से लेकर ऊपर वो बादल के ऊपर एक पीक है, वहाँ से लेकर वो पूरा वहाँ तक जा रहा है। मतलब बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं इनकी बैक साइड पर दोस्तों, जस्ट अमेजिंग। देखो इधर कुछ था नहीं पर अब यहाँ पर भी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग ऐसे बन गई हैं, तो वो वाली तो बहुत ज़्यादा हो जाती। चलो भाई चले। साइज देखो दोस्तों वैली का। गाइज वेलकम टू पैनामिक हॉट स्प्रिंग्स। हम यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आए थे एंड आप जस्ट हमारे पीछे जो येलो येलो सारी यूट्रोफिकेशन एल्गे देख रहे हो, ये सारा गर्म पानी है जो उस ऊपर वाले पत्थर के उधर से सोर्स से निकल रहा है और नीचे जा रहे हैं। और दोस्तों ये गर्म ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म इज एन अंडरस्टेटमेंट, ये उबल रहा है पानी। हम सोच के आए थे कि अरे वाह, हम तो नहाएंगे और पानी होगा वहाँ पे, तो मतलब अच्छे से हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बेदिंग वाला उन्होंने एक साइड में जो सेक्शन बना भी रखा है ना, उसमें भी इतना गर्म पानी आ रहा है कि मैं भी उतने गर्म पानी से नहीं नहाती, और मैं काफ़ी गर्म पानी से नहाती हूँ। तो मैं जाके अभी जो उन्होंने हमारी टिकट काटी उनसे मैं बात करके आया, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं गर्म पानी खोल देती हूँ, ठंडा पानी खोल देती हूँ। तो फिर उसके बाद हम ना पाएंगे, वेट करते हैं क्योंकि अभी तक तो उन्होंने खोला नहीं है। एक बार वो खोल देंगे तो फिर दोनों में पानी मिक्स हो जाएगा और फिर मस्त नहाने का जुगाड़ बन जाएगा। और यहाँ पे 30 रुपीज़ की एंट्री टिकट थी पर पर्सन। बहुत अच्छे से बना रखा है इन्होंने ना, बहुत क्लीन और मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से। हमने ये पढ़ा भी था और हमने यहाँ पे विटनेस भी कराया, फील भी किया। राइट, ये है व्यू। नहाते वक्त सोचो ऐसा व्यू लेंगे अभी हम, आप भी ले सकते हो। चल बोल के आते हैं उनको कि वो ठंडा पानी खोल देंगे। चलो ट्राई मार के आते हैं, चेंज भी करके आते हैं और उनको बोल के भी आते हैं, अगर वो खोल देंगे तो फिर हम यहाँ पे नहा पाएंगे। नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं खोलती हूँ, ठंडा पानी खोलती हूँ, देखो खोलती है कि नहीं, कि हमें गोली दे रहे हैं।
ऐसा दिखता है हॉट वाटर स्प्रिंग, और इसके अंदर पानी भी बहुत अच्छा है नहाने वाला। हमने शूट करना था तो हमने परमिशन ले ली जो यहाँ के मेंटेनेंस वाले हैं कि हम साथ में शूट कर सकते हैं इसमें नहाते हुए, तो उन्होंने हमें परमिशन दी, इसलिए हम जल्दी से शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना मज़ा आता है इसमें। इतनी गर्म है गाइस, ये है लद्दाख का फन। नहाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं बहुत गर्म है दोस्तों, मैं तो सोचा था नॉर्मल पानी होगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ कुछ पैर के बोलो तो कितना आराम मिल रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। आ गया मैं, कैसे आ रहा है तू? माय गॉड, अरे मैं फ्लोट भी कर रहा हूँ, मजा आया। माय गॉड, बहुत गर्म है। दोस्तों मैं तो पैसे वसूल लिए। ये ठंडी जगह पे भी नहाता है, ये गर्म जगह पे भी नहाता है। वैसे से गर्म पानी से नहाया नहीं जाता, मैं ट्रांस में है। बहुत गंदा काम करने जा रहा हूँ मैं। क्या गाइज, मैं भी आ गई पानी में। बहुत गर्म पानी है, एक बार तो बहुत तेज लगता है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी हिम्मत करी। मुझे थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं आ गई, और पर मजा बड़ा आ रहा है। देखो मैं जल गया हूँ ना दोस्तों, मेरे आर्म्स वगैरह जल गया, तो फिर ये ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मिनरल वाटर होता है, और इसको कुछ तो अच्छी हॉट वाटर बात, हॉट स्प्रिंग बात जो भी ये बोलते हैं, तो इसका कुछ तो बेनिफिट होता है। देखेंगे आज हमारी थकान उतरेगी नहीं उतरेगी। और अगर किसी ने डेथ स्ट्रैंडिंग गेम भी खेली है तो उसमें भी जब माउंटेन हाइक करके थक जाते हो ना, तो वो ऐसी हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाता है ताकि उसकी एनर्जी रिप्लेनिश हो जाए, रीजनरेट हो जाए। अच्छा तो बड़ा लग रहा है, बाल भी गीले कर लिए मेरे। रणधीर तो भाई पूरे मजे ले रहा है, पूरे सो गया ना। पूरे लद्दाख का फन एक तरफ और हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने का फन एक तरफ। मुझे इस टाइम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। आज का पूरा दिन, यहाँ तक कि पूरी राइड सफल हो गई आफ्टर टेकिंग बाथ इन अ हॉट स्प्रिंग। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। मुँ, थोड़ा मुँह पे तो सर पे डाल पानी थोड़ा, मैं लेंस डाले मैंने। अच्छा, इसका ये भी ड्रामा है। पर गाइज बहुत मज़ा आ रहा है, अब थोड़े से हम मज़े कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें जो हमें टाइम मिला है, उसके बाद फिर हम आपसे, अब आपको चेंज करके बाहर मिलते हैं दोस्तों, है? क्योंकि हमें भी थोड़ा सा टाइम मिला है, उन्होंने बोला जल्दी करो। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्तंजन गावा। तुम्हारा? स्तंजन नाम क्या? अच्छा, तीन बंदों का नाम स्तंजन, तुम बता दो तुम्हारा नाम क्या? स्तंजन नुर्गु। चार स्तंजन, तुम भी स्तंजन हो क्या? नहीं, मेरा नाम स्तंजन थेक्चो। स्तंजन तो तुम्हारा भी नाम है ना? मेरा नाम शिवंगीराम। चलो, इनका नाम सबसे डिफरेंट है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोग कहाँ पे रहते हो? पानामिक में रहते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? सारे नहीं, तुम 8th में हो? आप 10th में हो? और आप 8th में? चलो सही है।